प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, मैं ज्यादा खर्च दे दिया करूंगा माँ। कौशल क्या तुम भी, ये क्या लगा रखा है कम ज्यादा? ठीक है ना, दोनों हमारे ही बेटे, क्या फर्क पड़ता है किस पे ज्यादा दिया किस पे कम? फर्क कैसे नहीं पड़ता जी, अब जो पैसा ज्यादा देगा उसी का पैसा भी तो ज्यादा खर्च होगा ना इस घर में। आपकी माँ भी तो ऐसे ही करती है, जिसका ज्यादा घर खर्च उसी की उस घर में माँ नहीं जाती थी। हमारा जमाना लगता, और मेरी माँ ऐसा करती थी तो जरूरी नहीं कि तुम भी वैसा ही करो, समझे? बेटा कोई बात नहीं, जब तेरे पास ज्यादा मुनाफा हो तब पैसे दे देना, हम सब घर में साथ हैं, है ना? मैं देखूंगा घर खर्च। थैंक यू बाबूजी। हर महीने कौशल्या और करमचंद अपने बेटों से घर खर्च लिया करते थे और उसी के हिसाब से महीने का बजट तैयार होता था। लेकिन कौशल्या की नजरों में तो यही था कि जिस बेटे ने ज्यादा घर खर्च दिया उसी का राज घर में चलना चाहिए, इसीलिए वो छोटे बेटे और बहू का कहना घर में ज्यादा मानती थी, चाहे वो फिर कोई भी बात हो। अरे जरा तुम दोनों की लिस्ट तो बताना कि क्या क्या चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारे बाबूजी और मैं बाजार जा रहे हैं तो लेते आएंगे। माँ जी मैंने ये लिस्ट बनाई है, ये सारी क्रीम्स, फेस वॉश, ये सब मुझे चाहिए था। और मुझे बस कुछ सामान चाहिए था, दो चार चीजें ही है काम की, बस वही है। कविता अगली बार भी तूने यही सब मंगवाया था ना, फिर खत्म हो गया? अरे इतने महंगा है, मैं ये सब पाउडर ला ली तो क्या करेगी? ये सब मैं अगली बार ले आऊंगी, ठीक है? और वैसे भी इस बार के राकेश के पैसे तो बस बिल भरने में ही चले गए, कुछ हाथ तो आया नहीं। ठीक है माँ जी, तो मेरी भी कुछ ही चीजें लेकर आइएगा, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ले आऊंगी ना तेरी सारी चीजें। अरे सब लेकर आऊंगी, रवि इतने पैसे देता है घर में, उसकी बीवी की एक दो चीज भी नहीं ला सकते क्या मैं? क्या सोचेगा वो? अरे मैं लेकर आऊंगी सारी चीजें। अभी तो बहू यहाँ लो, मैं लेकर आता हूँ तेरी सारी चीजें। नहीं नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं, वैसे भी ये इतनी जरूरी नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं था कि कौशल्या ने कविता के साथ ऐसा किया। इस घर में राकेश और कविता के साथ अक्सर ऐसा होता आता था। माँ मैं और रिया सोच रहे थे कि हम इस बार गर्मियों की छुट्टियां मनाली होकर आए, बहुत वक्त हो गया है हम कहीं गए नहीं। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ घूम कर आओ, तुम दोनों को भी अच्छा लगेगा। कविता बहू, तुम दोनों भी कहीं आस पास घूम कर आओ, तुम दोनों कहीं नहीं गए इतने दिनों से। रिया और रवि तो फिर भी कई बार जाते रहते, तुम दोनों भी कहीं घूम कर आओ। अरे आप देख रहे हैं, पहले ही राकेश घर में 20,000 देता है, अगर घूमने चले गए दोनों तो अगले महीने ये भी नहीं देगा। नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रिया और रवि को जाने दो। हाँ बाबूजी, माँ सही तो कह रही है, अभी मुझे अपने व्यापार पे ध्यान देना है। एक बार ये प्रोजेक्ट पास हो जाए उसके बाद मैं आप दोनों को भी तीरथ पर भेजूंगा। अरे बहुत बात की बात है राकेश, पहले तो घर खर्च का तो बंदोबस्त कर ले। देख रवि को तुझसे छोटा फिर भी कितना अच्छा कमा रहा है, अरे तू भी ये व्यापार छोड़ और कोई नौकरी कर ले। सुनियो, नौकरी में तो हम दूसरों के लिए काम करते हैं, व्यापार में आज मुनाफा नहीं पर एक दिन देखना, राकेश जरूर सफल होगा। तब तक पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सच में तुम्हें पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता। राकेश को भी ये अफसोस था कि वो घर का बड़ा बेटा होकर इतना कम घर खर्च दे रहा था, जबकि घर का काफी सारा खर्च रवि के पैसों से ही चलता था। माँ जी तो हर बात में रिया की तरफ दाढ़ी ही करती हैं, मैं अगर कुछ सही भी कह दूं उसे नजरअंदाज किया जाता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, रवि हमेशा से मुझसे आगे रहा है। अगर आज देखा जाए तो घर का ज्यादा से ज्यादा खर्चा रवि के पैसों से ही चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रवि पढ़ रहा था तब आपने अपनी सारी कमाई रवि की पढ़ाई में लगा दी थी, अपने लिए कुछ नहीं रखा।